और जैसे कि आप सब जानते हैं, यह है सुहाना का घर। नहीं, मैंने तो बेड पर ही शिशु कर लिया। अब मम्मा डांटेंगी, मम्मा डांटेंगी। अली चलो, वो तकिया इसके ऊपर लग देता हूँ, मम्मा को पता नहीं चलेगा। अच्छे से लगता हूँ, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। सोफिया, हम दोनों भी बहुत उदास बैठे हुए हैं और तुम बस हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो। अरे ये क्या सुहाना, सोफिया कब से घर में ही बैठे हुए हैं? ये बच्चे बाहर खेलने के लिए जा क्यों नहीं रहे हैं? अरे सुहाना बेटे, सोफिया बेटे, गुड्डू तुम बच्चे जाओ ना गार्डन में खेलो, आज वैसे भी संडे है। अली मम्मा, हमें कहीं पर भी नहीं जाना है, हम बस ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे। मैं आपसे और पापा से बहुत नाराज हूँ। पापा मुझे हमेशा कहते हैं कि सुहाना मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना लेकर आऊंगा, नया खिलौना लेकर आऊंगा, लेकिन पापा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते हैं। और फिर हम ऐसे ही मासूम बच्चे घर में ही बैठे हुए रहते हैं। जाओ, मुझे आपसे और पापा से बात नहीं करनी है। अरे हाँ दीदी, सुहाना बिल्कुल ठीक कह रही है। राहुल जी तो हमेशा कहते हैं कि सुहाना को कोई खिलौना लाकर देंगे। बेचारे बच्चे अब करेंगे भी क्या, बाहर गार्डन में सब अपने अपने खिलौने लेकर आते हैं और सब खेलते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास तो एक भी खिलौना नहीं रहता है। अरे सीता, मैं तो राहुल जी से हमेशा कहती रहती हूँ कि सुहाना, सोफिया, गुड्डू को कोई अच्छे टॉयस लाकर दो, लेकिन राहुल जी कहते हैं कि मेरे ध्यान से ही निकल गया, वो हमेशा भूल जाते हैं। अब चलो मुझे बच्चों को मनाना होगा। सुहाना, सोफिया ऐसे मम्मा पापा से नाराज नहीं होते। सुहाना बेटे, अब तुम कब तक ऐसे ही बैठे रहोगी? चलो बच्चों, अब जल्दी से गार्डन चले जाओ खेलने के लिए। सुहाना मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अब तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खिलौना जरूर ला कर देंगे। अली मम्मा, आप हमेशा ऐसे ही कहती हो कि पापा खिलौना लेकर आएंगे, खिलौना लेकर आएंगे, लेकिन पापा हमेशा खाली हाथ आते हैं। जाओ मम्मा, मैं अब कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, मुझे टॉयस चाहिए, मुझे टॉयस चाहिए। अरे अब मैं बच्चों को कैसे समझाऊं? वैसे तो बच्चों का नाराज होना बिल्कुल सही है। राहुल जी कितने दिनों से कह रहे हैं कि टॉयस लेकर आएंगे, टॉयस लेकर आएंगे, लेकिन हमेशा भूल ही जाते हैं। चलो अब जाने दो, मैं तो बच्चों को नहीं मना सकती हूँ, बच्चे तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं। अहिले अब तो मुझे मम्मा पापा से बात करनी ही नहीं है, मुझे एक भी टॉयस लाकर देते नहीं है, हमेशा भूल जाते हैं। और तभी राहुल आ जाता है। अरे सुहाना बेटे, क्या कर रही हो? अहिले पापा कुछ नहीं, मैं आपसे नाराज हूँ और मैं आपसे बात करने वाली नहीं हूँ, मुझे पता है आप फिर से भूल गए हैं ना टॉयस लाना। अरे सुहाना बेटे, आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं फिर से भूल गया हूँ। सचमुच में बात नहीं करनी है। पापा हमेशा खिलौना लाना भूल जाते हैं। अरे सुहाना बेटे, सुहाना बेटे, प्लीज रो मत, तुम तो मेरी बहुत ही अच्छी बेटी हो। रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा था, रुको अभी लेकर आता हूँ। अली पापा मजाक कर ले थे, पापा क्या लाने के लिए गए हैं? अरे आज तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि राहुल जी सुहाना को टॉयस लेकर आएंगे। टंडना, अरे सुहाना मेरी प्यारी सी बेटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अलीफा, पापा ये क्या लेकर आए हैं? इतनी बड़ी गाली। चलो सोफिया जल्दी से चलकर दिखते हैं। अलीफा, अलीफा, पापा आपने तो कितनी बड़ी गाली लेकर आए हैं। अलीफा ये तो कितनी खूबसूरत है, वो भी रेड कलर की, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया की सबसे अच्छी पापा हो। अरे सुहाना बेटे, ये गाड़ी तुम्हारे लिए तो लाया हूँ मैं, एंड आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं हमेशा भूल जा रहा था, लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे से याद रखकर ये गाड़ी तुम्हारे लिए लेकर आई है। चलो अब हम इसे चलाना सीखते हैं, तुम ये गाड़ी से खेलूंगी ना? अली हाँ पापा, क्यों नहीं, मैं गाड़ी से बहुत खेलूंगी। वैसे पापा ये रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी है ना? अरे हाँ सुहाना बेटे, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो सोफिया बेटे, गुड्डू बेटे, हम सब ये गाड़ी को चलाने के लिए गार्डन जाएंगे। ये गाड़ी चलाने के लिए बहुत बड़ी जगह लगती है, इसीलिए हमें गार्डन जाना होगा। अच्छा ठीक है पापा। चले सोफिया, गुड्डू तुम दोनों भी रेडी हो गाड़ी से खेलने के लिए? अरे हाँ सुहाना, क्यों नहीं, राहुल चाचा ने तो बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आए हैं, अब हम इसके साथ गार्डन में खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। वाओ वाओ, गाड़ी गाड़ी, मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, मैं चलाऊंगा,
मैं चलाऊंगा। सुहानी दीदी ये गाड़ी मैं भी चलाऊंगा। अरे वाह दीदी, राहुल जी ने तो कितने अच्छी टॉयज लेकर आए हैं बच्चों को खेलने के लिए। अरे हाँ सीता, गाड़ी तो सच में बहुत अच्छी दिख रही है, चलो चलो देखते हैं। अरे वाह राहुल जी, आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है, आपने तो बहुत ही अच्छी गाड़ी लेकर आए है। अरे पायल जी, आपको भी पसंद आई ना? भाई मेरी चॉइस ऐसी ही है, सबको पसंद आएंगी। पायल जी मैं सभी बच्चों को लेकर जा रहा हूँ गार्डन, हम सब गार्डन में खूब खेलेंगे इस गाड़ी से। अच्छा ठीक है राहुल जी, लेकिन शाम होने से पहले ही आप सब घर पर आ जाना। अरे पायल जी आप उसकी फिक्र मत करो, हम शाम होने से पहले ही घर पर आ जाएंगे। ये अली बाई रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी से खेलेंगे, गाड़ी से खेलेंगे, चलो शोफिया जल्दी से। अली हाँ शोफिया। अरे वाह दीदी, सभी बच्चे गार्डन में गए हैं खेलने के लिए, चलो कुछ देर तक घर में शांति तो रहेंगी। अरे हाँ सीता बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हैं। अरे सीता बहू 4 बज गए हैं, जरा मुझे चाय पिला दो। अरे हाँ माँ जी अभी देती हूँ। अरे ये क्या यहाँ पर सूसू की स्मेल क्यों आ रही है? अरे ये गुड्डू ने क्या किया है? अरे गुड्डू ने शायद यहाँ पर सूसू किया था। अरे ये गुड्डू बिना इतना ज्यादा होशियार हो गया है, देखो कैसे इसके ऊपर तकिए रख दिए थे, अब तो पूरे बिस्तर पे सूसू की स्मेल हो गई है, अब मुझे सब धोना होगा। अरे ये गुड्डू बिना बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया है, आने दो उस गुड्डू को, अब गुड्डू को पनिशमेंट देनी होगी। दीदी देखो ना आपने गुड्डू ने क्या किया। और सुहाना सोफिया गुड्डू सब गार्डन आ जाते हैं। अब चलो सुहाना मैं इस गाड़ी की अनबॉक्सिंग करता हूँ। अरे वाह भाई कितना बड़ा बॉक्स है ये, चलो खोलता हूँ इसे। अरे भाई खुल भी जा। अरे वाह गाड़ी तो बहुत बड़ी है, चलो इसे आराम से निकालता हूँ। अली वाह सोफिया देखो ना हमारी गाड़ी तो कितनी बड़ी है। तो बच्चों ये गाड़ी तुम्हें कैसी लगी? अली वाह पापा एक्सीलेंट, ये गाड़ी तो सच में कितनी अच्छी है, लेकिन पापा आप हमें इसे कैसे चलाएंगे? प्लीज पापा हमें सिखाइए ना ये गाड़ी को कैसे चलाते है। ये मैं भी गाड़ी चलाऊंगा रिमोट कंट्रोल कार। अली वाह सुहाना के पापा ने सच में कितनी अच्छी गाड़ी लेकर आए है, अब इसे देखने में बहुत मजा आएगा, अब सुहाना के पापा इसे कैसे चलाएंगे? अरे सुहाना बेटे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये गाड़ी कैसे चलाते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। भाई बचपन में मैंने ऐसी गाड़ियाँ बहुत चलाई है, मेरे पापा भी मुझे ऐसी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ बहुत लाकर देते थे। अरे मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई, मुझे मेरे पापा याद आ गए। पापा अली ये क्या, पापा तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अली पापा पापा प्लीज ये गाड़ी कैसे चलाते हैं हमें सिखाइए ना। अरे सॉरी सुहाना बेटे मैं तो भावनाओं में बह गया था, चलो रुको बच्चों मैं तुम्हें अभी ये गाड़ी चलाकर बताता हूँ। देखो बच्चों इस गाड़ी के नीचे एक स्विच आता है, पहले हम इसे चालू करेंगे और फिर इसमें से बहुत अच्छी म्यूजिक बजेंगी। ये गाड़ी कैसे चलाते हैं मैं तुम सब बच्चों को अच्छे से सिखा दूंगा, चलो भाई अब जल्दी से ये गाड़ी को चालू कर देता हूँ। अरे वाह ये गाड़ी तो चालू हो गई, चलो अब इसे सीधा कर देता हूँ, चलो अब इसे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करता हूँ। देखो सुहाना बेटे ये बटन दबाने से गाड़ी आगे जाती है और ये बटन दबाने से गाड़ी पीछे आती है, अब इसे मैं आगे लेता हूँ और जब हमें इसे साइड करना होता है तो ये वाला बटन दबाना पड़ता है। कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी गाड़ी, देखो आगे हो रही है पीछे हो रही है, अब इसे और पीछे लेता हूँ और फिर से अब पलटाता हूँ। अरे वाह 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 क्या अच्छी गाड़ी है हमारी, क्या अच्छे से चल रही है, मजा आ रहा है ना सुहाना बेटे? ले हाँ पापा सच में गाड़ी तो कितनी अच्छी सी चल रही है, हरी फा और ये जंपिंग भी कितनी अच्छी सी करती है। कितने अच्छे से डांस कर रही है पापा, सच में मुझे ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। और वैसे भी आज गार्डन में तो एक बच्चा भी नहीं है, चलो अच्छा हुआ हमें गाड़ी चलाने में आसानी हो रही है। देखो बच्चों अब मैं तुम्हें और एक कमाल बताता हूँ, अब देखो मैं इस गाड़ी को कैसे घुमाऊंगा, ये बटन दबाने से गाड़ी गोल गोल घूमती है। और ये बटन दबाने से लेफ्ट साइड घूमती है। अब सुहाना बेटे तुम्हें समझ आ गया है ना ये गाड़ी को कैसे चलाते हैं? जी हाँ पापा मुझे बहुत अच्छी सी समझ आ गया है, लुकिए पापा अब मैं इसे चलाती हूँ। अरे वाह
शायद मेरी सुहाना गाड़ी चलाने वाली है। चलो देखती हूँ सुहाना कैसी चलाएंगी। क्या मैं ये क्या देख रही हूँ, गार्डन में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? गार्डन में तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अरे ये क्या, ये तो चौहाना, उसके पप्पा सोफिया गुड्डू। अरे ये क्या, चौहाना के पास इतनी बड़ी गाड़ी, देखो देखो चौहाना कितनी ज्यादा इतला रही है। अरे चौहाना मुझे ये गाड़ी चलाने देंगे कि नहीं? चलो चलो एक बार चौहाना से पूछ कर देखती हूँ। अरे वाह आइडिया, गुड्डू तुम इस गाड़ी के ऊपर बैठ जाओ और मैं गाड़ी चलाऊंगी। चौहाना दीदी बहुत अच्छी, गाड़ी पर बैठूंगा, गाड़ी पर बैठूंगा, चौहाना दीदी बहुत अच्छी। और गुड्डू गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। चौहाना दीदी मैं बैठ गया, गाड़ी चालू करो। अरे गुड्डू तुम अच्छे से पकड़ के बैठ जाओ, अब देखना मैं गाड़ी कैसे भगाऊंगी। अरे चौहाना दीदी मैं अच्छे से बैठ गया, तुम गाड़ी चलाओ। अरे गुड्डू बेटा पकड़ कर बैठना, जरा भी गाड़ी को छोड़ना नहीं, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अरे सुहाना तुम्हारी गाड़ी चलाए बात फिर मैं चलाऊंगी। अरे हाँ सोफिया तुम फिकर मत करो, मेरी गाड़ी चलाए बात फिर तुम ही चलाना। अरे सुहाना बेटे तुम्हें गाड़ी अच्छे से चलानी आ गई है ना, तुम कोई गलती तो नहीं करूंगी। अरे पप्पा ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा इजी है, आप फिकर मत करो मैं अच्छे से ही चलाऊंगी। अरे चलो अब गाड़ी चलाना स्टार्ट करती हूँ। गुड्डू क्या तुम रेडी हो? चौहाना दीदी मैं रेडी हूँ, आप गाड़ी स्टार्ट करो। पहले चलो गाड़ी के नीचे एक स्विच है, मैं उसे दबा देती हूँ। अरे वाह गाड़ी तो चालू हो गई है, चलो अभी आगे पीछे करती हूँ। अरे वाह चौहाना गाड़ी चला रही है, चलो यहाँ पर बैठ कर देखती हूँ। ये चौहाना दीदी मजे ही मजे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह सुहाना बेटे एक्सीलेंट, तुम तो बहुत जल्दी चलाना सीख गई हो, वेरी गुड सुहाना बेटे वेरी गुड। अरे थैंक यू सो मच पप्पा। चला चला के थक गई हूँ, बहुत मजा आया, यिप्पी पापा बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपने तो मुझे बहुत अच्छी गाड़ी लाकर दिए है। अरे सुहाना बेटे तुम्हें अच्छा लगा ना, चलो ये बहुत अच्छी बात है। चलो सोफिया आप तुम्हारी बाली है, अब तुम जाकर चलाओ। ये अली वाह अब मैं गाड़ी चलाऊंगी। अरे चलो यही बहुत अच्छा मौका है, चलो सुहाना से पूछती हूँ। अरे सुहाना सुहाना वह सुहाना तुम प्लीज क्या मुझे अपनी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चलाने दोगी? अरे हाँ पिंकी क्यों नहीं, सोफिया पहले चलाएंगी फिर उसके बाद तुम चला लेना। अरे वह चौहाना तो बहुत ही जल्दी मान गए, अब देखना चौहाना की गाड़ी में ऐसे चलाऊंगी कि उसे खराब कर दूंगी। बहुत ज्यादा चला ली है ना चौहाना, अब मजा आएंगे। सोफिया गाड़ी चला रही है, अब मेरी बाली है। अच्छा ठीक है पिंकी अब तुम चलाओ। अरे सोफिया आप प्लीज दो मिनट के लिए पिंकी को चलाने दो ना। अरे अब देखना चौहाना की गाड़ी को ऐसे चलाऊंगी कि चौहाना की गाड़ी को मैं तोड़ दूंगी। अरे गुड्डू अब तुम गाड़ी पर से गिरने वाले हो, रेडी हो जाओ। अरे गुड्डू के बच्चे बहुत मजा आ रहा है ना, लोग तुझे अभी बताती हूँ। अरे पिंकी अलार्म से गुड्डू गिर जाएगा। अरे मैं तो गिरते गिरते बच गया, चलो फिर से बैठ जाता हूँ। अरे गुड्डू ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम बच गए, अब देखना गाड़ी को ऐसे भगाऊंगी कि तुम्हारा गिरना तय है। अरे ये क्या हो गया है, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अरे ओ राहुल अंकल क्या हो गया है, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। चलो सुहाना बेटे अब हम घर पर चलते हैं, गाड़ी को चार्ज करते हैं फिर और आएंगे गार्डन खेलने के लिए। अरे ये क्या मेरे टेम्पल है गाड़ी की चार्जिंग चले गई। अच्छा ठीक है सुहाना सोफिया अब मैं घर पर जा रही हूँ। चलो भाई अब हम ये गाड़ी को घर पर ले जाकर चार्ज करेंगे। और सुहाना सोफिया गुड्डू घर पर जाने लगते हैं। दोस्तों आपको हमारी स्टोरी पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।